नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार। आप देख रहे हैं संजय के वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरुदेव जी के बारे में। गुरुदेव जी के बारे में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज आया है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, लुधियाना में कुछ मैटर हुआ था नीरव दास जी के द्वारा, जिसके कारण EOW टीम उनको पकड़ ली थी। और उनके बयान के मुताबिक के आधार पर गुरुदेव जी को अरेस्ट किया गया। उन पर बहुत सारी धारा भी लगी, लेकिन सारी धारा हट चुकी है। उन पर मात्र अभी एक धारा है, 379। जी हाँ, उन पर जो अभी केस हुआ है, जो केस फाइल हुआ है, उसमें 379 का जिक्र है। जैसा कि हमको अभी एक लीडर से, इन्वेस्टर से जो बात हुई थी, उसी सिलसिले में, उसी टॉपिक पर, गुरुदेव जी के टॉपिक पर तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि विशेष कुछ नहीं है, 379 का धारा लगा है। उस धारा का मतलब क्या है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 379 जो है धारा, IPC की धारा 379 में, इसका जो मतलब होता है वह है, जो भी कोई चोरी करता है, जो भी कोई चोरी करता है या कुछ गलत कार्रवाई उनके माध्यम से होता है, तो उसको जो सपोर्ट करते हैं, जो उसको सह देते हैं, वो इस 379 में आता है। उसमें भी जो चोरी करता है या कोई गलत कार्य करता है, उसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं, उसमें भी उनको 3 वर्ष की कारावास या जुर्माना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यदि कोई इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे न्यायाधीश या न्यायाधीश के द्वारा अधिकृत अदालत द्वारा उपयुक्त सजा दी जाती है। अब इसमें जमानत कैसे मिलता है, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। इस प्रकार के मामलों में जमानत जो होता है बेल देने का फैसला अदालत के द्वारा कुछ परिस्थितियों के आधार पर लिया जा सकता है, जैसे कि अपराध की गंभीरता, आरोपी के खिलाफ सबूतों की कमी और आरोपी के व्यक्ति के द्वारा अपने बचाव यानी अपने डिफेंस में पेश किए गए सबूत यानी एविडेंस के द्वारा, उस माध्यम से उनको जमानत मिलती है। तो इन पर जो गुरुदेव जी के ऊपर जो धारा लगी है वो 379 है। और 379 में जहां तक अभी बताया जा रहा है, विशेष कुछ है नहीं इनमें। मतलब नीरव दास जी के जो बयान था, उस बयान के आधार पर गुरुदेव जी को अरेस्ट किया गया। तो अरेस्ट किया गया तो इन पर जो धारा लगा वो है 379, जो इन्होंने नीरव दास जी को मतलब सपोर्ट किए भाई, क्योंकि वो एक लीडर थे तो स्वाभाविक है कि सपोर्ट होना है, तो सपोर्ट किए, वही धारा उन पर लगी है। अब इसमें बात रही कि जमानत इसमें बहुत जल्दी हो जाती है, और हो सकता है कि हम आपके सामने कुछ नया न्यूज जैसे ही आता है कुछ, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। लेकिन जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द ही गुरुदेव जी हम लोग के बीच में रहेंगे, और जो उनसे बात हुई लीडर से, उस बात के आधार पर ये मैसेज आया है। और जो मैसेज आया वो हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, ये मैसेज आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको मैं ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आया था, उसी के आधार पर मैंने आपसे शेयर किया कि उन पर कौन सी धाराएँ थी। बहुत सब्सक्राइबर लोग का अपना क्वेश्चन आया था। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मैसेज के और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।